आप ही फ्रांस में भारत के प्रतिनिधि हैं, आप ही भारत की आवाज है, आप ही भारत की पहचान है। मुझे विश्वास है कि भारत की इस आवाज को आप हमेशा हमेशा के लिए बुलंद करते रहेंगे। और मैं हमेशा हमेशा इसलिए कहता हूं कि अब हिंदुस्तान में टेम्पररी के लिए व्यवस्था नहीं है, आपने देखा होगा 125 करोड़ का देश, गांधी और बुद्ध की धरती, राम और कृष्ण की भूमि, टेम्पररी को निकालते निकालते 70 साल चले गए। टेम्पररी को निकालने में 70 साल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हंसना कि रोना। आज नए भारत में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जनता के पैसे की लूट, आतंकवाद, जिस तरह लगाम कसी जा रही है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, नए भारत में थकने रुकने का सवाल ही पैदा नहीं है। नई सरकार को बने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ 75 दिन हुए हैं, 100 दिन होना बाकी है। और ये दिन तो किस चीज के लिए होते हैं, सरकार बनने के बाद स्वागत सम्मान होते, फूल मालाएं होती हैं, जय जयकार चलता है। हम उस चक्कर में नहीं पड़े, सिर्फ 75 दिन ही पूरे हुए हैं, लेकिन स्पष्ट नीति और सही दिशा के मंत्र से प्रेरित होकर एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले लिए गए हैं। एक अमानवीय कृति, नारी का सम्मान और उसके जीवन भर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती रहे, हमने इसे खत्म कर दिया दोस्तों। कोई माने या न माने, कोई लिखे या न लिखे, कोई बोले या न बोले, कोई बोल पाए या न बोल पाए, लेकिन इन करोड़ों बेटियों के आशीर्वाद आने वाली सदियों तक भारत का भला करने वाले।